लोगों को पता नहीं होगा लेकिन ये मेरा होम टाउन है, तो आज मैं आपको जम्मू का एक व्लॉग में एक टूर भी कराऊंगा। अब काफी सारे लोगों को जम्मू को लेके काफी मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, यहाँ पे बर्फ पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जम्मू एकदम दिल्ली जैसा है वेदर वाइज, यहाँ पे कोई बर्फ नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन हम जम्मू के बाहर जाएं तो काफ़ी माउंटेनियस एरिया है, अच्छे माउंटेन्स, आज वो भी दिखाएंगे कि जम्मू के बाहर क्या है क्या नहीं। सिटी ऑफ टेम्पल्स है प्राइमरली है। तो अगर आप में से कोई जम्मू आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई आपके रिश्तेदार आ रहा है, तो यू कैन कॉमेंट बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कॉमेंट में कर सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में तो आल रिप्लाई अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो दैट बिंग सेड, आज की डाइट की बात करते हैं। आज जैसे जो मेरा कोटा इस वीक का था 140 ग्राम ऑफ कार्ब्स था, लेकिन इस वीक में जो अभी जो आज का दिन है खासकर, आज हम 100 ग्राम कार्ब्स ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि आज हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे, लेकिन हाफ एन आवर का कार्डियो सेशन करना ज़रूरी है, वो मॉर्निंग में कर चुका था। और जो मेरे कार्ब इनटेक मैक्सिमम आज आएगा वो बेसिकली फ्रूट से ही आएगा। सो दैट बीइंग सेड, आई सी यू अराउंड इन द सिटी। गाइस, जम्मू टूर पे हमारा ये पहला पिट स्टॉप है और हम हैं बेसिकली हरि निवास पैलेस में। ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, और लेकिन उस चीज़ से पहले बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप में से काफ़ी सारे लोग जम्मू को जम्मू तवी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो तवी है वो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बेसिकली रिवर है। तो जम्मू को तवी के नाम से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वहाँ तो मेन रिवर जो जम्मू से फ्लो करता है वो तवी है। उसके साथ में देखते हैं काफ़ी सारा ग्रीन कवर भी है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप एक अच्छी जगह सोच रहे हैं, एक अच्छा होटल सोच रहे हैं जम्मू जब आ रहे हैं रहने के लिए, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस। मैं आपको इसका फ्रंट व्यू भी दिखाऊंगा जैसे हम बाहर जाते हैं। तो बिल्कुल हमारे पीछे एक्चुअली म्यूजियम भी है, तो इससे आपको जम्मू की काफ़ी सारी हिस्ट्री पता चल सकती है। तो हम एक क्विक ग्लांस देंगे म्यूजियम में ताकि आपको सब दिखाई दें कि है क्या क्या नहीं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं म्यूजियम में है क्या क्या। म्यूजियम में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अगर आपको देखना हो, क्योंकि काफी सारे लोगों का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन एक चीज आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। सर जूम करेंगे ना जी। ये एक्चुअली गोल्ड थ्रोन है, पूरे सोने का बना हुआ है। ये जो जम्मू के राजा महाराजा पहले वो करते थे, ये उनकी बेसिकली गद्दी है। तो देखिए बहुत पुराना है। गाइस, इस पेंटिंग को देखिए, ये 3D पेंटिंग है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इनकी आंखों को देखिए और इनके जूतों को देखिए, आप किसी भी एंगल से देखेंगे ये समहाउ आपकी तरफ ही मूव करेगी। हमने भी पहली बार देखी अपने एंड जस्ट एस्टोनिश्ड कि ऐसा होता कैसा है। उसके पेंटर आए गए NS सुबकृष्णा जी थे, तो बहुत ही रिमार्केबल पेंटिंग है। और इस पेंटिंग के अलावा आपको यहाँ पे महात्मा गांधी जी की पेंटिंग, गुरु नानक देव जी की पेंटिंग, फिर ये कौन सी पेंटिंग, माँ दुर्गा जी की पेंटिंग, मतलब बहुत सारी अच्छी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। कुछ आगे टिबेटन मॉन्क्स की पेंटिंग्स हैं और बहुत ही अच्छे से बनाई हुई सारी ये और अच्छे सारे तो गाइस, ये जो म्यूजियम है ये बेसिकली अमर महल म्यूजियम है। तो अगर आप यहाँ पे रहने आ रहे हैं हरिनिवास होटल, जो कि बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आई हाईली रेकमेंड किया पाइए। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको पहले 3D पेंटिंग दिखाई, यहाँ पे MF सेन साहब की भी 3 पेंटिंग्स हैं, एक इंदिरा गांधी जी बनाई और बाकी दोबारा में सीखी। तो आपको बहुत सारी हिस्ट्री देखने को मिलेगी यहाँ पर, हार्डली 20 रुपये इसका टिकट चार्ज है। तो अगर आप जम्मू आ रहे हैं, हरिनिवास पैलेस में रह रहे हैं, तो हाईली रेकमेंड आप इस जगह पर जरूर आइए, अमर महल म्यूजियम। सो गाइस, अभी हम हरिनिवास पैलेस वापस आए हैं, हमें बहुत भूख लगी है। तो एज इफ हम डाइट कर रहे हैं तो हम हर कुछ नहीं खा सकते रेस्टोरेंट में, लेकिन एक चीज़ है जो हम खा सकते हैं वो एक्चुअली है पनीर टिक्का। अब पनीर प्राइमरी प्रोटीन और फैट्स हैं, इसलिए डाइटिंग में खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो चीज़ नहीं खानी वो देखिए साथ में आपके बर्गर और फ्राइज, आपको बिल्कुल नहीं खानी, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया। ओके, तो ये अभी मेरा मील है। आप में से कोई भी जम्मू आ रहा है, यू नो डिसेंट प्लेस टू एक्चुअली ईट, तो KC 360 जगह का नाम है। तो अगर जम्मू आएंगे आप कोई बता देगा कहाँ पे, इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू ईट। और बाहर का व्यू देखें तो शाम को बहुत अच्छा लगता है। अभी दोपहर का टाइम है तो उतना खास नहीं दिखा, लेकिन गुड प्लेस। और यहाँ से आपका बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट सब अप्रोचेबल डिस्टेंस में, बहुत दूर नहीं है। सो गाइस, आई एम गोइंग टू एंजॉय माय मील। तो आज के लिए हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, मेरी बैटरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। सो आई सी यू टुमारो, टिल देन डाइल योर डाइट एंड ट्रेनिंग, आई सी यू टुमारो।